आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम हेयर विद न्यू टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक है कार्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 देखने के ज़रूर देखिएगा आप, और ऊपर फ्लैश भी हो रहा होगा, आप उसको फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी आगे का कुछ समझ में आएगा आपको। तो रॉजर्स की जो थ्योरी थी वो इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में थी, जिसमें उन्होंने सेल्फ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, और अपनी थ्योरी में उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे। एक एंड्यूरिंग आस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और जिसमें मैंने बताया था कि आस्पेक्ट्स जो अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स ने बताए थे, पहला था ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दूसरा था सेल्फ। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे किसको एक्सपीरियंस को फोकस करता है, उस पॉइंट होता है वो हमारा, और सेल्फ हमारा रियल और आइडियल दो तरीके से डिफाइन करता है। जो और इन दोनों को, ऑर्गेनिज्म और सेल्फ को, हम किस तरीके से एग्जामिन कर सकते थे, कॉन्ग्रेंस एंड इनकॉन्ग्रेंस के थ्रू, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं रॉजर के अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। तो रॉजर ये बिलीव करते हैं कि जब एवरी पर्सन अपने गोल को, अपने विशेष को, डिज़ायर को अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में, तो वो जो प्लेस होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है। अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर लेना, और विद फुल पोटेंशियल, लाइक अ फ्लावर दैट विल ग्रो टू इट्स फुल पोटेंशियल इफ़ द कंडीशंस आर राइट। तो वो अपनी क्या करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पा लेता है। ठीक उसी तरह अगर एक पर्सन है वो अपने पोटेंशियल को देता है, और उसका एनवायरनमेंट इज़ गुड एनफ होता है उसके अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पाने के लिए, ठीक है। तो उनकी एक यहाँ पे डेफिनेशन थी जो है, द ऑर्गेनिज्म हैज़ वन बेसिक टेंडेंसी एंड स्ट्राइविंग टू एक्चुअलाइज, मेंटेन एंड एनहेंस द एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो अब हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाएंगे, ठीक है। बट इसमें एक ये चीज़ है कि जो टेंडेंसी होती है इसको सेलेक्ट करने की, हमें अटेंशन पे करना होता है उनके आस्पेक्ट्स पे, एनवायरनमेंट पे, जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं अपने, जो कंस्ट्रक्टिव होता है पर्सन का मूव करने के लिए, उस डायरेक्शन को हम फुलफिल करते हैं और अपनी होलनेस को कंप्लीट करते हैं। तो जो ये सिंगल मोटिवेशन होता है, मोटिवेटिंग फोर्स इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ड्राइव होती है ये, जो हमारे सिंगल गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम किस तरीके से अपने सेल्फ को डेवलप करें अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हम अपने सेल्फ को डेवलप किस तरीके से करें। कार्ल रॉजर ने बताया था कि एक पर्सन जब ग्रो करता है तो उसको नीड होती है एनवायरनमेंट की। अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छे तरीके से सब कुछ होगा, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा। तो उसके लिए उसे क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड देम विद जीनियसनेसनेस, ओपननेस एंड सेल्फ डिस्क्लोजर, एक्सेप्टेंस, बीइंग सीन विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकार्ड्स। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थिंग्स होती हैं, बट आप अगर पॉजिटिविटी को लेकर अपने साथ चलते हैं तो आप अपने सेल्फ को डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। एंड एम्पैथी,
एम्पैथी को भी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, बीइंग लिसन टू एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये एक इनकी एक तरीके से डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। रॉजर ने जैसे अदर साइकोलॉजिस्ट की तरह कोई स्टेजेस नहीं दिए थे पर्सनालिटी डेवलप को, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द सेल्फ ऑफ द पर्सन एंड हिज एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और उन्होंने बताया कि जब एडजस्टमेंट और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी एक्सप्लेन करते हैं रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ सेल्फ। रॉजर ने ये भी बताया कि हम जब सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं उस सिचुएशन में हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लव को ले लेते हैं, हमें जिस तरीके का प्यार मिलता है उसी तरीके का हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है ऑन आवर परसेप्शन और फिट्स वेल विद आवर एक्सपीरियंसेस। और रॉजर ने ये भी बताया कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो हम सीखे रहते हैं वो एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंसेस से मैच नहीं करता है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो इन्होंने एक एग्जांपल बताया, इन्होंने बताया कि जब हम नाइस पीपल नेवर गेट एंग्री, ठीक है, तो अगर हम किसी ऐसे सिचुएशंस में होते हैं कि हमें कोई इंसल्ट करता है, विच यू आर इंसल्टेड, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डज नॉट अलाउ यू टू परसीव योर फीलिंग्स ऑफ एंगर एक्यूरेटली, ठीक है। एक ये भी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ होता है कि इस तरीके का हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होते हैं। अब एक जैसे मैंने बताया कि लव, जिस तरीके का प्यार, अब एक बचपन का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक छोटे बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो एक छोटा सा बच्चा है वो उसके बाद उसकी एक छोटी सी सिस्टर होती है, अकेले बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार पूरा अटेंशन मिलता है बच्चे को, बट एक छोटी बच्ची आने की वजह से उसका जो अटेंशन होता है फुल्ली अटेंशन वो थोड़ा सा डिवाइडेड हो जाता है। तो उसके अंदर एक जेलिसी क्रिएट हो जाती है कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती हैं, तो उस सिचुएशन में वो अपनी सिस्टर को क्या करता है, हर्ट करता है, तो वो रोती हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है उनकी मदर को पता चल जाता है कि ही हर्ट्स हर, तो फिर उसकी मदर जो उसके साथ बिहेव करते हैं या तो उसे पनिश करेंगी ऑन दैट टाइम, या तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगी कि प्यार से कि हाँ ये सिचुएशन कैसी है, हम आपको भी प्यार करते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये भी उस बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिपेंड्स ऑन मदर रिएक्शन, और अगर वो अपने बच्चे को प्यार से समझाती हैं तो दिस चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट इनकंसिस्टेंट विथ हिज एक्सपीरियंसेस। अकॉर्डिंग टू रॉजर जब डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हो जाता है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ओपन टू एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस को ओपनली क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हर पर्सन की लाइफ में दोनों तरह की कंडीशन आती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो दोनों ही कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों ही कंडीशन में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, चीज़ों को सीखते हैं। एग्जिस्टेंशियल लिविंग, वो लिविंग फॉर द मोमेंट, प्रेजेंट में रहना ज़्यादा वो प्रिफर करते हैं, पास्ट में की गई गलतियों को सोच कर याद कर गिल्ट नहीं रखते हैं। जो रॉजर के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की, ठीक है। ट्रस्ट फीलिंग, खुद के ऊपर उनका भरोसा होता है, वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्फ टू मेक द राइट चॉइस, ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा करना कि हम जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे वो फीलिंग हमारी वो हमारा डिसीजन सही होगा। क्रिएटिविटी, पर्सन
को क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिस्क टेकिंग होना चाहिए, क्योंकि जो एक पर्सन डज नॉट प्ले सेफ ऑल द टाइम, दिस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू एडजस्ट एंड चेंज एंड सीक न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप क्रिएटिविटी को फॉलो नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे, तो आप नए एक्सपीरियंसेस को नहीं सीख पाएंगे, आप नई चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो जो फुल्ली फंक्शनिंग होते हैं, सेल्फ डेवलप्ड होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं, वो लोग क्रिएटिविटी को भी फॉलो करते हैं और रिस्क को भी टेकिंग करते हैं, जिससे उन्हें न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। फुलफिल्ड लाइफ, अ पर्सन इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाई विद लाइफ एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस। जब पर्सन अपनी लाइफ से फुलफिल होता है, तो वो हमेशा तैयार होता है नए चैलेंजेस को लेकर और उससे मिलने वाले एक्सपीरियंस को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। और रॉजर ने बताया कि जो फुल्ली फंक्शनिंग पीपल होते हैं, वो वेल एडजस्ट होते हैं, वेल बैलेंस्ड होते हैं एंड इंटरेस्टिंग टू नो। ऑफ्टन सच पीपल आर हाई अचीवर्स इन सोसाइटी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ये आज फाइनली कंप्लीट भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।